बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों की तकनीक और उनकी बारीकियां जानने के लिए MTDC, फिल्म सिटी और द बॉलीवुड टूर के द्वारा आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं इंडिया में पहली बार द बॉलीवुड ड्रीम टूर। हेलो नमस्ते सलाम आप सबका बहुत बहुत रुको क्या हुआ डायरेक्टर सर को एक्शन तो बोलने दो। अच्छा ओके सॉरी। हेलो नमस्ते एक मिनट अब क्या हुआ दोस्तों और सिनेमा के चाहने वालों ऐसी गलतियां तो बॉलीवुड में शूटिंग के दौरान होती रहती है। लेकिन सब गलतियों को एडिटिंग में हटाकर अच्छे से अच्छे शॉट डालकर आपके सामने एक बेहतरीन पिक्चर पेश की जाती है। लेकिन यहाँ काम कैसे और किस तरह से होते हैं वो आम आदमी को पता नहीं होता। लेकिन अब आपको मौका मिलेगा ये सब जानने का बॉलीवुड की बारीकियाँ वो भी करीब से। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये सब कैसे होता है आइए। तो ये है हमारे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी हाँ अब आपको बाथरूम सिंगर बनने की कोई जरूरत नहीं है आपके भी सिंगर बनने के सपने होंगे पूरे। जैसे कि प्रोफेशनल सिंगर यहाँ पर आकर गाना गाते हैं गाना रिकॉर्ड करते हैं और आपके दिल पर छा जाते हैं। वैसे ही आप भी यहाँ पर आकर अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। तो शूटिंग के बाद का काम होता है पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें आता है एडिटिंग मिक्सिंग डबिंग फॉली इफेक्ट्स बैकग्राउंड म्यूजिक और भी बहुत सारी तकनीकी बात है। और ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप सभी को यहाँ पे आना पड़ेगा। जो डायलॉग फिल्म की शूटिंग के दौरान बोले जाते हैं वही डायलॉग उसी अंदाज में उसी फील के साथ उसी सिचुएशन में फिर से डबिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये सब क्यों होता है ये जब आप स्टूडियो में आएंगे तब हम आपको बताएंगे। और उसके साथ आपको मौका मिलेगा अपने पसंदीदा कलाकार को अपनी आवाज देने का यानी कि आप भी डबिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है क्या है तुम्हारे पास मेरे पास माँ है। दाम दे रहे हैं दान नहीं प्यार से दे रहे हैं रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है। कितने आदमी थे कितनी मानसा होते रे हाउ मेनी गाइस वर देयर टू मैन मिस्टर गापा और वो भी कहाँ यहाँ इसी स्टूडियो में जहाँ पर आपके पसंदीदा कलाकार खुद डबिंग करते हैं। கிடையாது அவ்வளோ தூரம் போடுமா கம் லெட்ஸ் என்ஜாய் நவ் இட்செல்ஃப் கிவ் எ பியூட்டிஃபுல் கிஸ் டு யுவர் கிரேட் கிங் பேபி ஃபாலி இஃபெக்ட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் வர்க் மத்லப் कलाकारों की आवाजों को छोड़ के मतलब उनके डायलॉग्स को छोड़ के बाकी की सारी आवाजें फॉली स्टूडियो में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे हवा पानी बारिश गाड़ियां मार धार ढिशुम ढिशुम इस तरह की सारी आवाजें जो फिल्मों में यूज होती हैं वो इसी स्टूडियो में डब की जाती हैं रिकॉर्ड की जाती हैं। कैसे की जाती है वो जब आप स्टूडियो आएंगे तब हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में हम आपको दिखाएंगे क्रोमा स्टूडियो एंड क्रोमा इफेक्ट्स। आपको पता चलेगा कि क्रिश हवा में कैसे उड़ता है। स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक अपनी जाले फैला के कैसे पहुंचते हैं। शक्तिमान सुपरमैन बैटमैन ये सारे सुपर हीरो की शक्तियों के पीछे क्या राज है। रुकिए रुकिए पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ अब हम आपको दिखाएंगे कार्टून डबिंग स्टूडियो। वही डबिंग और वही कार्टून जो आप टीवी पे देखते हैं जैसे छोटा भीम डोरेमोन मोटू पतलू और भी बहुत सारे कार्टून इन सब की डबिंग ऐसे स्टूडियो में होती। और सोचिए जब आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे और वो अपने फेवरेट कार्टून को अपनी आवाज देंगे तो कितना मजा आएगा। आज मैं फिर से जीत गया। चुटकी राजू क्या तुम मेरे साथ ढोलकपुर चलोगे हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आइए आज ही चलते हैं बॉलीवुड टूर्स में और जानकारी लेते हैं सिनेमा के इतिहास की जानकारी लेते हैं फिल्मों की मेकिंग की जानकारी लेते हैं कि फिल्म बनने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से रिलीज होती है और एक ही रात में जीरो हीरो बन जाता है और हीरो जीरो बन जाता है।
जी हाँ, ये तभी होगा जब आप बुक करेंगे